हे महाराष्ट्र सरकारच्या MADC बरोबर भागीदारी करून ते हस्तांतरित केला होता आणि उद्दिष्ट हेच होता की आज नाही उद्या आपल्या नागपूरमध्ये एव्हिएशनसाठी मोठी एक इकोसिस्टम तयार व्हावी आणि त्यासोबत मॅन्युफॅक्चरिंग आणि इतर सर्व्हिसेस हे सुद्धा या नागपूरच्या मियानपासून लोकांपर्यंत पोहोचावं. विषय अतिशय महत्त्वाचा हे आहे की आपण विदर्भामध्ये विकासाची आपण वाटचाल झाली पाहिजे, आपण त्याच्यावर अनेक वेळा चर्चा करतो, पण अजून प्रत्यक्ष जितका आपल्याला जे डेव्हलपमेंट पाहिजे अजून दिसत नाही. म्हणून इथे ज्यावेळेस बोईंगचे विमान खरेदी करण्यात आले ते एअर इंडियासाठी या परिसराच्या शेजारच्या परिसरामध्ये एअर इंडियाची तिथे विमानसेवाची म्हणजे मेंटेनन्ससाठी ते MRO ची उभारणी झाली आणि आत्ताच देवेंद्रजीने जसं सांगितलं तिथे आता बाहेरचे विमान यायला लागले. थोडा उशीर झाला पण नक्कीच आता त्याच्या प्रगतीच्या पथावर आहे. ह्या फॅसिलिटीमध्ये पण ज्या पद्धतीनं आता विमानाची म्हणजे मेंटेनन्सची कामकाज सुरू झाली आहे आणि हे हेलिकॉप्टरच्या पण आता MRO इथे आता स्थापन झालं आहे, त्यामुळे इथे पण खूप सारे म्हणजे मला असा अंदाज आहे की 1000 लोक इंजिनियर्स या एकाच कंपनीमध्ये इथे काम करतील आणि शेजारच्या आता रिलायन्सच्या ते डसाऊच्या म्हणजे फॅल्कनच्या राफेलच्या जे ओरिजिनल जे प्रोजेक्ट आलेला होता त्यामध्येही आता प्रगती आता सुरू झाली आहे. काही वर्षानंतर नक्कीच मला असं वाटते की नागपूरमध्ये एव्हिएशन रिलेटेड फॅसिलिटीज खूप आता इथे डेव्हलप होतील. ये MRO के लिए टैक्सी वे से विमानों को आना पड़ता है और टैक्सी वे अब तक ऑपरेशनल एरिया में शामिल नहीं है, इसके लिए कुछ आपने आपको शायद जानकारी नहीं है. पूरी तरह से टैक्सी वे ऑपरेशनल है, पूरी तरह से टैक्सी वे बिना ये फैसिलिटी शुरू ही नहीं हो सकती थी. नहीं, वो गेट लगा है कोई भी है मगर फैसिलिटी अवेलेबल है. यहाँ से कोई भी अब रुकावट नहीं है विमानों को आने जाने के लिए. उसका जो प्रोसीजर है वो ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ से आप देख रहे होंगे कि कई हर रोज़ यहाँ पर हवाई जहाज आते जाते हैं, चाहे एयर इंडिया की फैसिलिटी में हो, चाहे यहाँ हिंडमार की फैसिलिटी में हो, और आगे आने वाले दिनों में और भी जो भी कुछ प्रगति हो. रहते ही नागपुर एयरपोर्ट का कैनोपी एंड पूरा जो है डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ. विदर्भ के छोटे विमानतलों का भी विकास नहीं हो पाया, अब तक कंप्लीट नहीं बने. आपके बिरसी एयरपोर्ट का भी रनवे का एक्सटेंशन नहीं हो पाया. बिरसी रनवे का एक्सटेंशन हो चुका है, ऑपरेशनल 1 महीने के बाद हो जाने वाला है. अकोला एयरपोर्ट को भी हमने डेवलप किया था, नागपुर को भी डेवलप तो पहले से था मगर और अच्छा करने की कोशिश की गई थी. नागपुर एयरपोर्ट के अलावा अभी अमरावती में, यवतमाल में, दो जगह का तो मुझे जानकारी पक्की है कि ये दो जगह पे और चंद्रपुर में भी कोशिश हो रही है कि वहाँ लैंड के कोई इश्यूज थे मगर ये तीनों जगह पर यहाँ अपने विदर्भ में अगर एयरपोर्ट्स डेवलप हो जाएंगे तो डेफिनेटली विदर्भ के लिए बहुत एक फ़ायदा होगा. अभी फ़िलहाल कुछ ही दिन पहले गोंदिया से हैदराबाद और वहाँ से कनेक्टिंग मुंबई और बहुत सारे अलग सिटीज़ को कनेक्ट करने वाली सेवा इंडिगो की 1 तारीख से प्रारंभ हुई है और आगे आने वाले दिनों में गोंदिया से सीधा मुंबई की भी, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट कंजेस्टेड होने से नवी मुंबई एयरपोर्ट जब शुरू होगा तो गोंदिया से मुंबई की भी सेवाएं डायरेक्ट शुरू होगी. हम चाहते हैं जैसे अभी देवेंद्र जी ने कहा कि पूरे विदर्भ में एक एविएशन के मामले में एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो, लोगों को यातायात की सुविधाएं बढ़े. लोग अब केवल कुछ ठिकान जाते हैं या कुछ वर्ग ही जाता है हवाई जहाज में, ऐसा नहीं है. अब सामान्य आदमी भी हवाई जहाज में उड़ रहे हैं. पिछले साल 15.5 करोड़ लोगों ने भारत के भीतर प्रवास किया हवाई सेवाओं से, विदेश 7 करोड़ लोग गए. तो इसका मतलब ये है कि आज भारत में विमान सेवाओं की जो आवश्यकता, और 140 करोड़ की आबादी के मुल्क में अगर 10% लोग भी हवाई जहाज़ में एक बार भी साल में बैठेंगे तो आज जितनी हवाई सेवा है उसका 4 गुना उसका वृद्धि का मतलब कुछ समय में आपको संभावना नजर आ रही है. सर, नवाब मलिक डोमेस्टिक सर्विस हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स तो यहाँ पे MRO में रहेंगे कि बाहर भी? नो, यहाँ ये MRO इसका सर्टिफिकेशन वर्ल्ड क्लास होता है, क्योंकि मैं एविएशन मिनिस्टर रहा हूँ.
कोई भी इसको नो नो व्हाट हैपेंस इज ऑल एमआरओज हैव सर्टिफिकेशन फ्रॉम यूएसएफए यूरोपियन ईएसआ एंड अदर कंट्रीज रेगुलेटरी अप्रूवल्स. So once the facility is approved by these agencies, which this facility is also approved, the Air India facility next door is also approved, means you can get aircraft from any part of the world. As long as it makes economic sense to them, they will come here. And I am telling you that it is a beginning, what you are seeing now. This facility also what you are seeing, I think what I am aware is that this will be expanded at least 10 times over what it is visible today. So this is just a beginning, and I am sure aircraft from India and all over the world, and especially nearby regions, will be coming here maximum for servicing. So India's MRO industry will flourish. The days of sending our Indian registered aircraft overseas for maintenance will be over in a next few years. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.